देख रहे हैं सच दर्शन। भले ही हमारा देश खूब तरक्की कर रहा हो और देश के बच्चे पढ़ लिख कर विश्व स्तर पर नाम भी कमा रहे हों, पर आज भारत एक गंभीर समस्या बाल अपराध से भी जूझ रहा है और ये गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में पूरा देश बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध से दुखी और चिंता में है। वहीं दिल्ली के मंडी हाउस स्थित ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस एनजीओ साल 1927 से महिलाओं और बच्चों के लिए लगातार सराहनीय कामों को करते आ रहे हैं और इसी के तहत बीते गुरुवार को AIWC द्वारा राउंड टेबल डिस्कशन ऑन जुवेनाइन डेलिक्वेंसी एंड क्राइम्स का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में 27 से अधिक एनजीओ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया और इस गंभीर मुद्दे पर अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। मैं इस मौके पर जम्मू कश्मीर राज्य की महिला आयोग की अध्यक्षा का होना खास बात रही, जहां इस मौके पर एक तरफ बच्चों द्वारा अपराध करने के मुख्य कारणों पर नजर डालने की कोशिश की गई, जिसमें टूटे हुए परिवार, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, परिवार के सदस्यों में अनैतिकता, दोषपूर्ण अनुशासन, नैतिक शिक्षा में कमी, परिवार में सदस्यों का बच्चों को समय ना दे पाना आदि मुद्दों को खास तौर से उठाया गया। वहीं दूसरी तरफ करेक्शन होम्स की कमियों को भी गिनवाया गया, जिसमें बच्चों से व्यवहार, काउंसलरों की कम संख्या और अनट्रेंड काउंसलरों का मुद्दा शामिल रहा। ऐसे में इस मौके पर सच दर्शन की टीम ने भी शिरकत की और वहां उपस्थित जम्मू कश्मीर राज्य की महिला आयोग की अध्यक्षा, AIWC के पदाधिकारियों समेत अन्य एनजीओ के सदस्यों से भी बातचीत की। जी, आज यहां पे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक सम्मेलन था और इसमें बहुत सारी खवातीन महिलाएं आई थी, बहुत एनजीओ से आई थी, डिफरेंट सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, वो चाहे बच्चों से मुतालिक हैं या महिलाओं से मुतालिक हैं, सभी यहाँ पे जमा हो गए थे। और जो हम आए दिन देखते रहते हैं कि इंडिया में किस तरह से हमारे रेप्स आ रहे हैं या उसमें छोटे बच्चे कहीं पे शामिल हो रहे हैं, बच्चों के साथ जराइम हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, तो उसी पे हम यहाँ पे डेलिब्रेशन करने के लिए कि हम जो है एज अ सोसाइटी, एज अ सिविल सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबल सिविल सोसाइटी, इसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएं, कैसे हम सब एक साथ मिलके इसको ख़त्म करें, क्योंकि क्राइम सोसाइटी में होना इसका इम्पैक्ट तो किसी सिर्फ बच्चे पे नहीं है, पूरी फैमिली पे होता है, पूरे पेरेंट्स पे होता है, स्कूल पे होता है। तो यहाँ पे इसी तरह की डेलिब्रेशन हो रही थी कि हम सब मिलजुल के मुतहिद होके इत्तेहाद में सब मिलके बच्चों के खिलाफ जो भी जराइम है उनको ख़त्म करेंगे, अगर उसमें कोई ऐसे लॉज भी लाने हो, गवर्नमेंट से मिलना हो, मिनिस्टर से मिलना हो, जो भी इस तरह के इदारे या ऑर्गेनाइजेशन से उनसे मिलना हो, हम सब मिलकर ये काम करेंगे ताकि हम ये जो पूरा मुल्क है इसको सेफ बनाए अपने बच्चों के लिए खासतौर से और महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए। अखिल भारतीय महिला परिषद समय समय और आज जो था कि बाल अपराध समाज में क्यों बढ़ रहे हैं, इसका दोषी कौन है? ना सरकार है, ना समाज है, दोषी हम स्वयं हैं। और क्राइम कहाँ से बढ़ते हैं, आपने कभी गौर करा? परिवार से बढ़ते हैं। अगर बच्चा स्कूल से एक पेंसिल भी चुरा के लाता है, आज एक बच्चे के टीचर ने कहा कि तुम्हारी ने पेंसिल चुराई, वो बच्चा कहता रहा मैंने नहीं चुराई है, लेकिन जब प्रिंसिपल ने उसको कमरे में बुलाया तो उसके बस्ते से एक जूठे खाने के मिले, खाना मिला। उसने कहा ये खाना मैं हॉस्टल की बच्चियों का लेता हूँ कि मेरे माँ बाप मतलब भूखे ना करें। तो ये क्या चीज़ सिखा रही है? हम बचपन से अगर कोई पेंसिल भी तो हम बच्चों को सिखाना है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। हम बचपन में माँ बाप अगर शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में, जो बच्चा हमारा परिवार में देखता है उसी उसमें, वो तो जब पैदा हुआ बहुत अच्छे माहौल में आता है, लेकिन ये समाज को, हमारे परिवार को बताना है कि जिस दिन बच्चे या बच्ची ने जन्म लिया वो अपराधिक नहीं होता है, लेकिन उसको पहले परिवार बना देता अपराधिक प्रवृत्ति का, उसके बाद हम दोष देते हैं समाज। 27 ऑर्गेनाइजेशन आई थी और उनमें से अधिकतर सभी जो है या तो वो जुवेनाइल के ऊपर रिसर्च कर रही है या जुवेनाइल के साथ काम कर रही है या उनके रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रही है, जैसे प्रयास आई थी, तो उसी तरह के सारी ऑर्गेनाइजेशन को हमने इन्वाइट किया था। आज एक्चुअली हम लोग उनको कुछ बताने से ज्यादा हम लोग सीखे हैं, क्योंकि हम लोगों का जुवेनाइल के केस में इतना ज्यादा काम नहीं हुआ है, बट चूंकि अभी जो इतने ज्यादा जो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं हम लोग करना चाहते हैं इसमें, इसलिए हमने आज उनसे इन्वाइट किया था जिससे हम लोग कुछ एक मॉड्यूल तैयार कर सके। आज उनसे हमें काफी नॉलेज मिली है और जो है जो 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 चीजें प्रिवेंटिव मेनली जो हम लोग चाहते थे कि हम लोग ऐसा उनसे सुने कि क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं जिससे कि जुवेनाइल के साथ हम लोग कुछ कर सके, अवेयरनेस एडवोकेसी, उसकी हमें काफी नॉलेज मिली है। आज
हम उन सबको कंपाइल करेंगे और भी उनसे इनपुट लेंगे, उसके बाद एक मॉड्यूल तैयार करके हमारी ब्रांचेस के थ्रू सब जगह ये प्रोग्राम करने की कोशिश है। और मैं फाइट फॉर राइट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ, और जैसा कि आज ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में एक जुवेनाइल क्राइम पर अपना एक वर्कशॉप कंडक्ट किया वन डे प्रोग्राम, तो ये इस टाइप के मेरे हिसाब से सोसाइटी में वर्कशॉप या सेमिनार प्रोग्राम कंडक्ट होते रहने चाहिए, और उसका मुझे लगता है कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा, और जो एक हमारे समाज में काफ़ी कुछ ज़्यादा एक गैप है तो वो कहीं ना कहीं कम होगा, जो कि चाहे बच्चों के बाल अपराध से रिलेटेड हों या फिर एक समाज में जो गैप है, और ये जो मिस गैप बढ़ने की वजह से और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ जो ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो क्राइम रेशो है बढ़ा है, क्योंकि जो माँ बाप अभी यहाँ पे प्रोग्राम में मोरल वैल्यूज की बात हुई, सोशलाइजेशन की बात हुई, तो वो कहीं ना कहीं से यहीं से आएगा। जब इतना सारा गैप हो जाएगा तो हम जो सोशलाइजेशन और मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं वो तो ऑटोमेटिक खत्म ही हो जाएगा। मेरा नाम इंद्राज है और फाइट फॉर राइट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। बच्चे को समाज के सेंटर में लाना होगा, उसकी तरफ हमें अपना फोकस दोबारा करना होगा, और जब हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पर बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान एकदम से जाता है उसका डेफिनेशन क्या है, उसको सजा होगी या नहीं होगी, कितने चाइल्ड होम हैं। ये तब उठता है सवाल जब वो समस्या अपने आप में बन चुका होता है, उससे पहले भी हम इसे रोक सकते हैं। और ये जो डिस्कशन हुआ दिन भर, हमने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, मुझे लगता है उसका नतीजा यही निकला कि सोल्यूशंस हमारे हाथ में कुछ आए, और उन सोल्यूशन से इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर है, क्योंकि हम सिविल सोसाइटी हैं, हम एनजीओज हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और हमने ये समझा भी कि वो उस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते। तो ये आज के पूरे डिस्कशन का जो कंक्लूजन था वो यही था कि हमें ही वो रोल प्ले करना है। हाँ, मेरा नाम सम्राट है, मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन। आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव इशू पर आधारित था। एक बहुत ही हॉट इशू है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं उसके अंदर यूथ का काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर जुवेनाइल जो ग्रुप है काफ़ी सारा इन्वॉल्व है, और इस पर बहुत ज़्यादा अभी हमारे को इंडिया में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही स्पेशल लॉ है। ये 2015 में नया लॉ आया है, और लॉ को डिस्कस करते हुए हमारे को ये भी कहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो उसमें मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को लेकर के या क्लियर एंड प्रोटेक्शन को लेकर के, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाना बहुत ही जरूरी है। जहाँ गौरतलब है कि बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और महान व्यक्ति के साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति भी माना जाता है, ऐसे में माता पिता, अभिभावक और पूरे समाज के रूप में हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है कि हम बच्चों के लिए स्वस्थ सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण बनाएं, ताकि वो जिम्मेदार नागरिक शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, मानसिक सतर्क और नैतिक रूप से स्वस्थ बन सके। ऐसे में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का योगदान वाकई में काबिले तारीफ रहा। दिल्ली के मंडी हाउस से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।